नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इस्पात नगरी भिलाई का सबसे प्रमुख सुबेला चौक आगामी 3 माह के लिए रहेगा बंद। इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे ब्रिज निर्माण के तहत गर्टर लॉचिंग का कार्य किया जाएगा। भिलाई टाउनशिप और पटरीबार क्षेत्र को जोड़ने वाले सबसे प्रमुख सुपेला चौक में आगामी 3 माह तक के लिए आवागमन बंद रहेगा। यहां पर गर्डर कास्टिंग और गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है, इस वजह से सुपेला चौक को बंद किया जा रहा है। हालांकि लोगों को असुविधा न हो इसके लिए समीप से ही मिडिल कट बनाकर व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्ग पर रायपुर की ओर जाने वाले और रायपुर से दुर्ग की ओर आने वाले वाहनों में कोई रुकावट न हो इसका भी ख्याल रखा गया है। यातायात प्रभावित न हो इसका दावा यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया गया है, लेकिन यह प्रयास कितना कारगर होगा यह आने वाले समय में पता चल सकेगा। इस ब्रिज के निर्माण कार्य पूरा हो जाने से उम्मीद की जा सकती है दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग पाएगा और यातायात का दबाव भी कम होगा। के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है चंद्रा मौर्या चौक से सुपेला चौक तक। इसमें दोनों चौक हैं, जो चंद्रा मौर्या चौक और सुपेला चौक, इस पर अब चौक के ऊपर इनको पुल का स्लैब कास्ट करना है, जिसके लिए गडर पहले उनको तैयार किया जाएगा और स्लैब कास्ट किया जाएगा, उसके बाद चौक को खोला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा, जिसके लिए दोनों चौक से जो राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रॉस ट्रैफिक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करते हैं सिर्फ जैसे सुपेला रेलवे क्रॉसिंग तरफ से आके और जो गदा चौक की तरफ ट्रैफिक जाती है, या ट्रैफिक गदा चौक तरफ से आके और सेक्टर एरिया में जाने वाला ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को अब चौक से सीधे क्रॉस नहीं करके और चौक से 20-30 मीटर आगे टीनों को हटाकर जो ब्रिज के पिलर्स तैयार हो गए उनके अंदर नीचे से रास्ता दिया गया।